गवां तहसील के कोल्ही कला हल्का में पदस्थ पटवारी सियालाल कोल सीमांकन के नाम पर पीड़ित शैलेंद्र से 8,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी के रायपुर करचुलियान के पड़रिया स्थित मकान से रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसमें एक आवेदक हैं रीवा निवासी शैलेंद्र दुबे, ये पेशे से शिक्षक हैं। इनका जो एक भूमि का सीमांकन होना था उस संबंध में इन्हें अप्रैल माह में तहसीलदार मनगवा को आवेदन दिया था भूमि का सीमांकन कराने के लिए। तो उसमें अप्रैल मई जून 3 माह करीब हो गए, तो उसमें उनका सीमांकन नहीं किया गया, उसको बार बार घुमाया जा रहा था। तो उस संबंध में उसने पटवारी से बात की, तो पटवारी जो है वहाँ के उलई कला जो हल्का है राम सिया, उससे इनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने जो है उससे 10,000 रुपये की मांग की थी, और 10,000 रुपये की मांग करने के बाद 8,000 पर दोनों की बातचीत फाइनल हुई थी। तो आज जो है उसी में लोकायुक्त कार्यालय में जो है 27 अप्रैल का आवेदन था और 12 जून इसकी लास्ट डेट थी इसको पूरा करने की, तो 12 जून तक इन्होंने नहीं किया। जब हम इनके पास गए और इनसे संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा कि अभी आपकी फ़ाइल मिली ही नहीं है, और जब हम तहसील में जाके पता किए तो तहसील वालों ने बताया कि फ़ाइल पटवारी को 2 दिनों के अंदर ही दे दी जाती है। फिर इनके 2-3 बार इनके पास हम गए और आरआई साहब के पास भी गए, तो आरआई साहब ने बताया कि फ़ाइल तो यहाँ नहीं है, तो आप पटवारी से संपर्क करिए। जब इनके पास गए तो इन्होंने कहा फ़ाइल नहीं है, और वहाँ तहसील जाने पर ये पता चला कि वहाँ से जो है तो फाइलें उठाई जाती हैं, तो फाइल ये तभी उठाते हैं जब इनको कुछ पैसा दे दिया जाता है। तो मैं फिर इनके घर गया मिलने के लिए और उनसे डायरेक्ट पूछा कि ये बताइए कि मतलब मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, पटवारी साहब कोई दिक्कत है कुछ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे स्पष्ट खुल के बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि बिना खर्चा के पैसे, मतलब बिना खर्चा पर्चा के कार्य नहीं होता है। और आप, और मैंने क्या किया था कि